शनि किसी का बुरा नहीं चाहते, जीव का बुरा उसके कर्म करते हैं। शनि की साढ़े साती यही सिखाती है और उसमें सही मार्ग दिखाती है। अकारण किसी जीव को कष्ट पहुंचाना भूल नहीं अपराध है। शनि दूसरों को पीड़ा देने वालों को साढ़े साती के समय पीड़ा देते हैं ताकि वो औरों को पीड़ा ना पहुंचाएं। भूल सबसे होती है, परंतु भूल से मिली सीख याद रखना आवश्यक है। शनि की साढ़े साती हमें अपनी भूल से सीख लेना सिखाती है और हमें सही मार्ग पर लाती है। शनि की साढ़े साती कष्टकारी नहीं शुद्धकारी होती है। इसका सबसे पहला पड़ाव होता है अति विश्वास का टूटना। शनि अति विश्वास को तोड़कर व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं। शनि की साढ़े साती कष्टकारी नहीं शुद्धकारी होती है। इसका सबसे पहला पड़ाव होता है अति विश्वास का टूटना। शनि अति विश्वास को तोड़कर व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं। स्त्रियों को शनि की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकते। शनि की साढ़े साती सिखाती है कि हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्वयं पर अति विश्वास करने वाला व्यक्ति शेष सभी पर अविश्वास करने लगता है। साढ़े साती में शनि इसी अविश्वास को अस्त्र बनाकर व्यक्ति को अपनों से दूर करते हैं ताकि व्यक्ति शुभ चिंतकों और शत्रुओं में अंतर करना सीखे। धातु को आकार में आने के लिए तपना होता है, सोने को कुंदन बनने के लिए भी तपना होता है। शनि की साढ़े साती भी यही करती है, हमारी परीक्षा लेती है ताकि हम और अधिक श्रेष्ठ बन सकें, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व पा सकें। जब व्यक्ति के विवेक का नाश होता है तो वो स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। शनि अपनी साढ़े साती में मनुष्य के इसी अविवेक का नाश करते हैं ताकि मनुष्य नई सोच का आरंभ कर सके। पद और शक्ति उत्तरदायित्व निभाने के लिए मिलते हैं, उनका दुरुपयोग करने वाले को शनि की साढ़े साती में कष्ट उठाना पड़ता है। शनि की साढ़े साती इस अहंकार को तोड़कर मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कराती है। यदि लोग साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें तो शनि उन्हें हानि नहीं पहुंचने देता। साढ़े साती में शनि हमारे शत्रुओं को कुछ समय के लिए प्रबल बनाता है ताकि हम आत्म मंथन कर सकें और आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं से लड़ना सीखें। जो मनुष्य स्त्रियों का मान नहीं करते उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं। शनि उनके स्वाभाविक शत्रु बन जाते हैं और साढ़े साती में उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें बराबरी का दर्जा देना कितना आवश्यक है, शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है। भक्ति, ज्ञान, क्रिया और कर्म, यह चारों मिलकर ही चेतना को जन्म देते हैं। साढ़े साती में शनि हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी चेतना को भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी जगह कोई और ना ले सके। साढ़े साती में शनि यही सिखाते हैं कि शक्ति का अहंकार करने वाले का पद कभी भी छीना जा सकता है। माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं है। यदि वे संतान के भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि निर्णय सही हो, कि कहीं उस निर्णय से संतान का भविष्य ना बिगड़े। शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है। व्यक्ति के कर्मों का फल देने के लिए शनि उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। वे बुरे कर्मों का फल तब देते हैं जब व्यक्ति आनंद के शिखर पर हो।
क्योंकि शिखर से गिरने के पश्चात जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता और सदा उचित मार्ग पर बना रहता है। स्त्री का अपमान करने वाला, उसे दुर्बल समझकर विवश करने वाला और उससे छल करने वाला व्यक्ति शनि की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकता। 7:30 के समय शनि नारी को पीड़ा देने वालों को कड़ा दंड देते हैं। अतः शनि के कोप से बचने के लिए नारी का आदर करें। मनुष्य का अहंकार टूटता है तो उस अहंकार, पद और प्रतिष्ठा के कारण जुड़ा सब कुछ उससे छूट जाता है। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। 7:30 में शनि व्यक्ति को अकेला कर देते हैं ताकि वो आत्म मंथन करके अपनी भूल स्वीकार कर उसको सुधार सके। देकर किसी से सेवा लेना और बाद में वचन से मुकर जाना उचित नहीं। किसी मनुष्य को वचन देकर यदि उससे छल किया, अपना वचन पूरा ना किया तो शनि क्षमा नहीं करते। 7:30 में शनि यही बताते हैं कि हमें अपना वचन हर हाल में निभाना चाहिए। चंद्र वास्तविकता में हमारे चंचल मन का प्रतीक है, इसलिए शनि सदा चंद्र पर अर्थात हमारे चंचल मन पर दृष्टि रखते हैं ताकि वो भटके तो उचित मार्ग पर ला सकें। 7:30 में यही चंचल मन आत्म मंथन के द्वारा शुद्धि पाता है और मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है।